13 जून को स्पेशल टीम ऑफ दादरा नगर हवेली पुलिस ने पेट्रोलिंग के दरमियान सुबह के 3 बजे के आसपास एक 407 टेम्पो को रिंग रोड पे पकड़ा, जिसमें सलिया मौजूद था। तफ्तीश दरमियान वो चोरी का मालूम पड़ा। ड्राइवर की पूछताछ और अन्य डिटेल पूछने पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। आगे की तफ्तीश में ये चोरी का मालूम हुआ। तफ्तीश के दौरान चोरी में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उनके गोडाउन से 3,20,000 का और भी बिल्डिंग मटेरियल बरामद किया गया। इन आरोपियों में से एक आरोपी नगर पालिका का कर्मचारी भी बताया जा रहा है। ये लोग नव निर्माण बिल्डिंग के थोड़े थोड़े मटेरियल की चोरी करते थे। ये चोरी का मटेरियल नागजुआ डेवलपर्स के वहां से चुराया गया था। आरोपी के नाम इस प्रकार हैं: विकास प्रभनाथ पांडे निवासी समरवानी, जारू नरन पटेल निवासी बलदेवी, दीपक जारू पटेल निवासी बलदेवी, संदीप धीरू पटेल निवासी बलदेवी। ये आरोपी सभी स्थानिक बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। 13 तारीख को हमारे जो स्पेशल सिलवास पुलिस के स्पेशल ब्रांच के अफसर हैं, एएसआई एआर वड़ाविया और उनके स्टाफ हेड कांस्टेबल पीयूष यादव, कांस्टेबल पीडी पटेल और जेएस बारिया, ये लोग अपना सरप्राइज चेकिंग कर रहे थे। सुबह करीब 3 बजे उनको एक टाटा 407 टेम्पो रिंग रोड पे मिली। उसमें कुछ लोखंड के जो बिल्डिंग मटेरियल के सरिये होते हैं वो लेके जा रहे थे। तो उनको एक डाउट हुआ कि भाई ये सुबह सुबह इतना सुबह लेके घूमते हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस हिसाब से उन्होंने गाड़ी रोका और ड्राइवर को उनसे डिटेल मांगा कि भाई ये बिल वगैरह दो। तो कोई बिल दे नहीं पाया ड्राइवर ने, और ना ही वो मटेरियल कहाँ से लाया, क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल दे पाया उसके। इस वजह से फिर उन्होंने उसको 41-1D CRPC में अटैच करके थाने में सौंपा। थाने में ये जो है बीट इंचार्ज ASI PM पताई को इसका तहकीकात दिया गया कि क्या है पता करें। उनके तहकीकात में ये मालूम चला कि ये मटेरियल जो है ट्रॉपिकल ग्रीन्स करके जो कंस्ट्रक्शन साइट है अयप्पा मंदिर से जो आगे रोड जाता है बुटकुट फड़िया में, वहाँ पे वहाँ का मटेरियल है। और ये जो इसमें शामिल लोग थे, जो टेम्पो ड्राइवर है और साथ में रिक्शा वाला था, ऐसा 3-4 लोग हैं। एक विकास प्रभुनाथ पांडे हैं जो कि इसका वॉचमैन थे जो ट्रॉपिकल ग्रीन्स के, साथ में जरू नारायण पटेल, दीपक जरू पटेल और संदीप धीरू पटेल, ये तीनों जो है बम्बापाड़ा बालदेवी के रहने वाले, ये मटेरियल लेके अपने घर लेके जा रहे थे। तो ये तहकीकात में उनको मिला तो उन्होंने अपना जो ट्रॉपिकल ग्रीन्स के जो मालिक है उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसा चीज़ मिले हैं, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए उनको बुलवाया। तो उन्होंने फिर ये कंफर्म किया कि उनके वहाँ से ये चोरी हुआ है और उसका उन्होंने कंप्लेंट दिया। उस कंप्लेंट का हमने कंप्लेंट रजिस्टर करके आगे और तहकीकात करते हुए हमको ये मालूम चला, इन लोगों को अरेस्ट किया गया, इनका रिमांड 17 तारीख तक का रिमांड मिला है। और आज आगे और तहकीकात करने में हमको इनके ये जो हमने 3 नाम बताए, जरू नारायण, दीपक जरू और संदीप धीरू, इनके घर के बगल में लोग कोई चाल बना रहे, वहाँ पे गोडाउन जैसा बना कर रखे हैं और उस गोडाउन में और बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि सीमेंट है, पाइप है, बिल्डिंग ये पेवर ब्लॉक्स है, ग्रेनाइट, मार्बल, जो जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है वो सब वहाँ पड़ा हुआ मिला। ये सब का हमने पंचनामा किया है। करीब 3,20,000 का मटेरियल वहाँ से हमको मिला है। अब वो हमने पंचनामा में अटैच किया है, आगे तहकीकात और चालू है। सर, ये जो आरोपी है इससे पहले भी कई मामले में लिप्त थे क्या?
अभी तो उसका तहकीकात हो रहा है, पर ये जो है एक टाइम का नहीं है, जैसे इस बार पकड़ा गया उसमें सिर्फ सड़िया लेके जा रहा था, वैसे ये जो टाइल्स और ये सब है वो पहले इन्होंने वहीं से निकाला हुआ है, मतलब बार बार ये करते जा रहे हैं, स्टोर कर रहे थे। सर इसमें कोई नगर पालिका को भी कर्मचारी सुना? इसमें ये बताया जा रहा है कि एक बंदा नगर पालिका में काम कर रहा है, अभी नाम मेरे को एग्जैक्ट मालूम, मेरे ख्याल से जरूर नारन है शायद, मैं वो कंफर्म आपको पता करके बताता हूँ, एक काम करता है, कौन से है, टेम्पररी वर्कर है, परमानेंट है, ये मुझे मालूम नहीं है।